आज हम लोग पढ़ेंगे समाधि स्थल एवं उनके संबंधित व्यक्ति ट्रिक के साथ। जितने भी हैं समाधि स्थल जितने व्यक्ति के हैं वो हम लोग ट्रिक के साथ आज समझेंगे। वीडियो को लास्ट जरूर वॉच कीजिएगा, आपको बेनिफिट होगा। स्टार्ट करते, देखिए क्या है आपका राजघाट। अब देखिए महात्मा लोग क्या करते थे, वो राज करते थे। याद रखिएगा महात्मा जो है, महात्मा जी लोग हमेशा राज करते आए हैं। तो राजघाट जो है वो आपका महात्मा गांधी का है। सभी राजघाट आपका कहाँ है, वो नई दिल्ली में बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए शांति वन। शांति कौन, शांति दिमाग से कौन काम करते थे, जो जो है जवाहरलाल होते थे। ठीक है, जवाहर और लाल होते थे। जवाहरलाल जो होते थे वो हमेशा, हर लाल जो है वो हमेशा शांति पूर्वक काम करते हैं। तो शांति वन जो है संबंधित व्यक्ति कौन है, जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल का नाम है आपका शांति वन, जो कि भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट देखिए है आपका विजय घाट। विजय लोग कौन है, जो बहादुर होते हैं उनको हमेशा विजय यानी कि जीत मिलती है। तो विजय घाट का हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री। ट्रिक कैसा, तो हमेशा बहादुर लोगों को विजय मिलती है। तो विजय घाट आपका जो है किसका समाधि स्थल है, लाल बहादुर शास्त्री का है। आइए नेक्स्ट देखेंगे समाधि स्थल का नाम, देखिए आपका वो है शक्ति स्थल। अब देखिए किसका है, इंदिरा के पास, इंदिरा के पास बहुत शक्ति था, उसे आयरन लेडी भी कहा जाता है। सबसे शक्ति कौन है, कौन लेडीज है, तो इंदिरा है। तो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल का नाम था आपका शक्ति स्थल। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए वीर भूमि। देखिए वीर, वीर लोग क्या है ना, हमेशा राज करते थे। वीर लोग हमेशा राज, राज से हो गया आपका राजीव गांधी। तो राजीव गांधी का समाधि स्थल का नाम है आपका वीर भूमि। और ये भी जो है इंदिरा गांधी के बेटे का नाम है राजीव गांधी, जो कि भारत के भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। आइए नेक्स्ट देखेंगे आपका जो है वो किसान घाट। देखिएगा चौधरी लोग जो है ना हमेशा वो किसान हुआ करते थे। चौधरी चरण वो हमेशा किसान हुआ करते थे। तो किसान घाट जब भी बोलेगा देखिएगा चौधरी लोग, चौधरी चरण सिंह। देखिएगा चौधरी चरण सिंह का जो है समाधि स्थल का नाम क्या है, किसान घाट है। आइए नेक्स्ट, और देखिए किसान दिवस, इसके जन्म दिवस के, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर किसान दिवस ये मनाया जाता है प्रत्येक 23 दिसंबर को, ये भी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट देखेंगे ट्रिक की ओर। नेक्स्ट देखिए समाधि स्थल का नाम आपका है वो आपका महाप्रयाण घाट। अब देखिए किसके लिए ज्यादा प्रयाण होगा, जो प्राण किसको, याद रखिएगा प्राण, प्राण कौन होगा, जो राजेंद्र रहे राज करेंगे उसके बाद क्या होगा, प्राण होगा। महाप्रयाण घाट कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर है। क्या है ये, डॉक्टर जो कि राज करते हैं, उनके पास बहुत प्राण है। कितना प्राण है, महाप्राण। तो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी कि पहला राष्ट्रपति थे। आइए नेक्स्ट देखेंगे आपका समाधि स्थल का नाम, देखिए वो अभय घाट। अभय यानी कि जीत, जीत किसको मिला, राज मोर करके देश आए, पूरा देश में राज करते थे। देश में राज करते थे कौन, अभय जी। अभय घाट जो है वो देश में राज करते थे। तो अभय घाट आएगा तो समझ लीजिएगा मुरारी देसाई का जो समाधि स्थल का नाम है अभय घाट। आइए नेक्स्ट देखेंगे वो है आपका समता स्थल। समता स्थल क्या है, जगजीवन राम, हमेशा जीवन में नाम होता है समता, समान रूप से जीवन में जो है नाम होता है किनका, जगजीवन राम का समाधि स्थल का नाम है समता स्थल। ऐसा रखना है आपको, हमेशा जो है समान रूप से वो जीवन में, वो जग में नाम होता है। तो हो जाएगा जगजीवन राम का समाधि स्थल का नाम समता स्थल। नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग जो है आपका, तीन बच गया आपका नारायण घाट। देखिए नारायण, नारायण कौन करते हैं, जो गुलजार होते हैं, हमेशा लाल गुल जो है ना लाल लेते हैं, लाल रंग का गुल होता है ना वो लेते हैं कौन, नारायण, नारायण घाटे, नारायण घाट जो समाधि स्थल है गुलजार लाल नंदा का। नेक्स्ट देखिए आपका है एकता स्थल। ज्ञान लेके पूरा एकता सबको, अपन क्या करते हैं ना एकता पूर्वक एकता होके सभी को ज्ञान दे देते। तो एकता स्थल जो है समाधि स्थल का नाम इनका है ज्ञानी जेल सिंह। एकता बन के सभी को ज्ञान देते थे वो, एकता स्थल है ज्ञानी जेल सिंह, ऐसा रखिएगा वो ट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए आपका है लास्ट चैत्रा भूमि। चैत्रा, चैत्रा ने रखिएगा क्षेत्र, चैत्र, चैत्र में कौन थे, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, अब देखिए चैत्र में याद कैसे रखिएगा इसको, अब देखिए जब भी बात करें चैत्र का आ रहा है कि संविधान का पिता किन्हें कहा जाता है, तो भीम राव अम्बेडकर को। भीम थे, भीम के पास पूरा चैत्र था, वो चैत्र मतलब
चैत्र को लेने का शीश था, पूरा चैत्र भूमि भूमि किनके पास था, जो जो भीम थे, भीम के पास बहुत सारा क्या था, भूमि थी, क्योंकि वो ताकतवर थे। भीमराव अम्बेडकर का जो बोलेगा आपका चैत्रा भूमि समाधि स्थल, ये थे कुल आपके इम्पोर्टेंट व्यक्ति और उनके समाधि स्थल। आई होप आपको ट्रिक से याद हो गया होगा, जरूर वीडियो को लाइक जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो इजी लाइक करके बेल आइकन को प्रेस करें। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।